का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आरोपी युवक को खेत में फेंककर फरार हो गए थे। आपको बता दें ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार रेप करने के बाद युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मकानपुर विशदन मार्ग पर रेवरी गांव के निकट तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया है, जिससे बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई व्यक्ति और नहीं था, उन्हीं का वाशरमैन था, उन्हीं का वाशरमैन है। और सामान्य रूप से वो जो है सभी का जो है कपड़े वपड़े धुलने का काम करता है। उसने प्रार्थना, वो आया था मेरे सामने, प्रार्थना पत्र भी उसका आया है। उसने कहा कि सामान शराब पी रखी थी अधिक, और एक्चुअल में 23 तारीख को उन्होंने मुझे कपड़े धुलने के लिए दिए थे। मैं 26 तारीख को लेकर गया था, क्योंकि मैं शराब वराब अधिक पी रखी थी। मैं गया था वहाँ और मेरा पैर लगा ईंट में लग गया, मैं गिर गया और मेरा सिर के बल गया, मेरे सर पर चोट आ गई सर, मेरे आँख पाँख पैर मुँह पर चोट आ गई। और बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली